Hey everyone, how are you all? I hope you are doing good. So this is the fourth chapter that we are going to discuss today, and the name of the chapter is The Old Clock Shop. ठीक है, तो होता क्या है, क्रिसमस ईव होती है. क्रिसमस ईव 24 दिसंबर को कहते हैं उस दिन को, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जस्ट 25 दिसंबर होता है. ठीक है, तो क्या होता है, क्रिसमस ईव होती है, सब दुकानें बंद हो रही होती हैं. ठीक है, और सब जगह स्नो होती है. और ये स्नो है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सिटी है ना, सॉल्ट लेक सिटी, ये जगह वहाँ पे होती है. तो मैं बता दूँ, सॉल्ट लेक सिटी है जो यूएसए में, तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं. ठीक है, और ये जो ये है सॉल्ट लेक सिटी, ये बहुत फेमस सिटी है. ठीक है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे ना आइस बहुत पड़ती है. ठीक है, ऑलमोस्ट 50 इंच पर ईयर आइस पड़ती है यहाँ पे. तो यहाँ पे ना स्कीइंग बहुत होती है. ठीक है, जो आपने देखा होगा बर्फ़ में जो करते हैं, कि मतलब जो लंबे से पैड लगा के और वो जो चलाते हैं, इसको स्कीइंग कहते हैं. ठीक है, तो ये पूरे यूएसए में बहुत फेमस जगह है स्कीइंग के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट जल रही होती है. ठीक है, तो शॉप होती है रे की. ठीक है, ये बूढ़ा आदमी होता है, जैसा फोटो में भी दिखाई दिया है, बूढ़ा आदमी होता है, और ये ना बहरा होता है. ठीक है, डेफ होता है. और ये क्या करता है, ये घड़ियों का काम करता है, पुरानी घड़ी नई घड़ी बेचना वेचना ये सब ये काम करता है. ठीक है, रिपेयरिंग का, विपेयरिंग का. क्या होता है, रे अपना काम फिनिश कर ही रहा होता है, तभी वो उसके ना पीछे से हवा उल्टा खड़ा होता है, वो उसके पीछे से हवा आती है, उसको पता चलता है कि किसी ने दरवाज़ा खोला. ठीक है, क्या होता है, लास्ट मिनट होता है ये, तो जब वो देखता है मुड़ के, तो दो आदमी होते हैं. ठीक है, एक आदमी होता है 20s में और दूसरा आदमी होता है अपनी 50s में. ठीक है, उम्र में एक 20 साल के करीब का होता है, एक 50 साल के करीब का होता है. तो जो 20 साल वाला होता है वो गेट पे ही खड़ा रहता है, और 50 साल वाला आता है. ये जो बूढ़ा आदमी होता है रे, ये डर जाता है. ठीक है, क्योंकि रे जब स्माइल करता तो फ्रेंडली स्माइल देता है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और एकदम अकड़ के आ रहा होता है. तो रे डर जाता है, लेकिन फिर ये अपने आप को काम करता है. ठीक है, ये उसके आगे, रे फिर फ्रेंडली स्माइल देके अपना नोटपैड उसके आगे कर देता है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, रे घबरा जाता है, क्योंकि जब उस आदमी के हाथ देखता है, उसका हाथ उसकी पॉकेट में होता है, उसकी पॉकेट में गन होती है. ठीक है, तो रे डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को कहता है कि भाई स्टैंड स्टिल, संभाल के खड़े रहो भाई. और अब फिर वो अपने नोटपैड पे लिखता है कि मैं आपकी कैसे मदद करूं. ठीक है, तो अब क्या होता है, जो वो सामने वाला बंदा होता है, वो एक मॉकिंग स्माइल देता है, मतलब होता है ना तिरछी स्माइल देना. ठीक है, तो वो मॉकिंग स्माइल देता है. ठीक है, फिर अब क्या होता है, तो ये जो होता है ना रे, यहाँ पे होता है. ठीक है, तो रे क्या करता है, रे मैसेज लिखता है अपनी नोटपैड पे, कि बोल सकता नहीं, तो फिर मैसेज लिखता है कि आप अपनी घड़ी लेने आए हो क्या. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, रे पुरानी घड़ियों का भी काम करता है कि सही कर दी. और ये ना, ये होता है पॉन ब्रोकर. ठीक है, ये जो ये वर्ड है, ये पॉन ब्रोकर, मैं बता दूँ इसका मतलब क्या होता है. ये पॉन ब्रोकर, ठीक है, पॉन ब्रोकर वो पर्सन होता है जो कि पैसे लैंड करता है. ठीक है, जैसे होता है ना कि हमने कुछ अपना गिरवी रख दिया और उसने हमें कुछ पैसे कुछ समय के लिए दे दिए लोन पे. ठीक है, तो ये पॉन ब्रोकर नहीं होता रे, लेकिन क्या होता है, लोगों की तकलीफ, ये बहुत मतलब मददगार टाइप का होता है, तो लोगों की इससे तकलीफ देखी नहीं जाती, तो उनकी मदद करने के लिए ऐसा पॉन ब्रोकर काम कर लेता है कि भाई चलो, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्ट नहीं लेता कभी भी. ठीक है, ये इसकी खासियत होती है. अब क्या होता है, वो उसकी घड़ी पे लिखता है नो, कि भाई नहीं, मैं कुछ इसलिए नहीं आया हूँ. ठीक है, क्या होता है, फिर जो ये आदमी होता है इसके सामने खड़ा होता है, ये अपनी घड़ी अपनी जेब में से अपने हाथों से निकालता है और रख देता है, और ये उससे पूछता है कि मतलब इस घड़ी का कितना होगा. ठीक है, रे देखता है, फिर रे क्या देखता है कि भाई अब इस घड़ी कुछ खास तो घड़ी होती नहीं है. ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल घड़ी होती है. ठीक है, तो जो रे होता है वो पूछता है कि मतलब आपको कितना चाहिए. तो जो सामने वाला आदमी होता है चोर, ये कहता है कि जितनी भी इसकी वर्थ हो, मतलब जितने का भी हो तुम दे सको. ठीक है, रे क्या करता है, रे अपने वो खोलता है दराज और उसमें से $50 निकाल के इसके हाथ में रख देता है. ठीक है, और ये आदमी किसको कहता है, थैंक यू. ठीक है, और ये अंदर से ये दोनों ही जने जानते होते हैं कि इस घड़ी की इतनी वैल्यू है नहीं जितने इसने पैसे दे दिए हैं. ठीक है, और क्या होता है, फिर जो ये होता है वो रे चैन की सांस लेता है, और जब जाने से पहले जो चोर होता है वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा अपनी घड़ी को लेने. ठीक है, और मैरी क्रिसमस कह के वो चला जाता है. तो ये स्टोरी थी. ठीक है, और ये लास्ट में पैराग्राफ है. अब क्या होता है, रात के 12 बज चुके होते हैं, तीनों घड़ियों तीनों जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो एक जगह आ जाते हैं, इट मीन्स 12 क्लॉक हो गया है. ठीक है, घड़ी में से साउंड आती है जो रे तो सुन नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ अ डेफ पर्सन. ठीक है, और
स्वीट म्यूजिक चलता है और फिर रात हो जाती है, ठीक है। और ये जो लास्ट लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छी लाइन है, ये पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल। मतलब ये क्या होता है ना, ये एक लाइन है, इसमें क्या होता है जैसे जो भगवान होते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा दर्शाया गया कि जो भगवान होते हैं वो सबकी मदद करते हैं, ठीक है। जब भगवान हमारे प्रति बहुत ज़्यादा मतलब वो है, मतलब बहुत मददगारी है, तो हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए ताकि हम भी अपने नेबर्स की मदद कर सकें। तो ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। आप इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस देख लेते हैं एक बार। व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर, मतलब रे को ऐसा क्यों लगा कि ये शॉपिंग करने नहीं आया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दो आदमी थे, वो हंस भी नहीं रहा था, ठीक है, और एक आदमी जो 20 की एज में था वो गेट पे खड़ा हो जाता और दूसरा 50s में वो आ जाता, उसके पॉकेट में गन भी होती है, ठीक है। तो और ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप, क्यों आया था? तो भाई ऑब्वियसली शॉप को लूटने आया था, ठीक है। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम, कैसे रे ने कम्युनिकेट किया, थर्ड क्वेश्चन है। तो उसने कैसे कम्युनिकेट किया, उसने अपना नोट पैड आगे कर दिया और फिर वो नोट पैड पर लिख के बताया। फोर्थ क्वेश्चन है, वट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर, उसने क्या कहा? उसने यही कहा होगा कि भाई ये आदमी डेफ है, ठीक है, तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जो पैसे लैंड पे ले देता है। वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर द ओल्ड, क्यों? देखो वो लैंड ब्रोकर नहीं है लेकिन फिर भी वो पैसे क्यों देता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज वो उसका जो नेचर है वो बहुत ही काइंड नेचर है दूसरों के लिए, ठीक है, और जब किसी को मदद होती है तो जितने की उसकी वैल्यू नहीं होती वो उससे ज़्यादा पैसे उन्हें दे देता है, ठीक है, और वो जब वो लोग उन्हें पैसे रिटर्न करते हैं तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेता रे, क्योंकि वो ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ठीक है, और वो लोगों की मदद करना चाहता है। सिक्स क्वेश्चन है, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैज़ ग्रेट पास, इन वट सेंस डिड इट गिव इट हैव ग्रेट पास। तो देखो जो वो वॉच थी जो उस चोर ने दी थी, ठीक है, उस वॉच की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो उसके पैसे ज़्यादा देता है, क्यों? क्योंकि वो एक चोर की घड़ी थी, ऑब्वियसली उसके पास गन थी, अब ये डर के उसको पैसे देने पड़ गए, ठीक है, रे को। सेवन्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैन कुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, हो सकता है भाई वो वापस आ जाए अपने घड़ी लेने वापस, ठीक है, लेकिन वो वापस आएगा तो घड़ी लेने। और एट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली, तो कब हुआ? जब उसने रे ने उसको $50 दिए, ठीक है, उसकी घड़ी इतनी वर्थ नहीं थी लेकिन तब भी उसने उसको $50 दिए, तब उसका चेहरा जाके फ्रेंडली हुआ, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 4, ठीक है, द फ्रेंडली द ओल्ड क्लॉक शॉप, एंड आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।